नमस्कार बच्चों, हमारे हमने कल लेखी का परिचय पढ़ा था। महादेवी वर्मा का आज हम पढ़ेंगे मुख्य पाठ। चैप्टर का नाम है मेरे बचपन के दिन। ध्यान रखना, ये पाठ महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है, खुद के बारे में बता रही है, ठीक है। देखिए, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। जब बड़े होकर बचपन की यादें आती हैं स्मृतियों में, एक विचित्र सा एक आकर्षण, एक खिंचाव होता है कि बचपन की याद करके बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। कभी कभी बचपन की बातों को याद करके, बचपन को याद करके ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न में सब कुछ देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। बचपन के बाद जवानी तक, बुढ़ापे तक समय, परिस्थितियां बहुत परिवर्तित हो जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हूँ। पीढ़ी का मतलब है कि जैसे एक दादा है, दादा से पिता, तो ये दादा और पिता की एक पीढ़ी होगी। दादा और पिता की एक पीढ़ी हो गई, तो कई पीढ़ियों के बाद मैं पैदा हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। मेरे परिवार में 200 साल तक कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। 200 साल बाद मैं पैदा हुई अपने परिवार में। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। ऐसा सुना है कि हमारे परिवार में लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम में, मतलब उनको मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, दुर्गा की भक्ति की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, इसलिए दुर्गा पूजा की उन्होंने। दुर्गा पूजा के बाद मैं पैदा हुआ, मैं उत्पन्न हुई, तो मेरी बड़ी खातिर हुई, स्वागत सम्मान हुआ, बहुत घर वाले प्रसन्न थे, क्योंकि 200 साल बाद परिवार में कोई लड़की पैदा हुई थी। और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। मुझे वो सहन नहीं करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता है। दुख, प्रताड़ना, पीड़ित, परेशानी लड़की होने के कारण। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। हमारे परिवार में जो बाबा थे मेरे, वो फारसी और उर्दू के अच्छे विद्वान थे, अच्छे जानकार थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। भाई मेरे दादा उर्दू और फारसी जानते थे, उर्दू और फारसी के जानकार थे, और मेरे पिता अंग्रेजी पढ़े थे। घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन मेरी माता जबलपुर से आई। जब मेरे पिता का विवाह हुआ मेरी माँ से, और मेरी माँ जब जबलपुर से आई तो वे अपने साथ हिंदी लाई, क्योंकि जबलपुर में हिंदी बोली जाती थी। दादा फारसी और उर्दू, पिता अंग्रेजी, और जब माँ का विवाह हुआ पिताजी के साथ, तब वो हिंदी लेकर आई घर में। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। सबसे पहले उन्होंने पंचतंत्र की शिक्षा दी मेरे को। पंचतंत्र बच्चों, इसके लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के बारे में बताया, पंचतंत्र की कहानियां सुनाई। ये एक राजकुमार था, वो पढ़ता लिखता नहीं था। उसको समझाने के लिए राजा के कहने पर उसको पंचतंत्र की कहानियां सुनाई गई। ये विष्णु शर्मा ने उस राजकुमार के लिए पंचतंत्र लिखा। क्या है पंचतंत्र में? पंचतंत्र में पशु पक्षियों को बोलते दिखाया गया है कि पशु पक्षी मनुष्यों की तरह बोलते हैं। फैंटेसी रचना है ये। फैंटेसी का मतलब होता है जो कभी होता नहीं है वो करके दिखाना। पशु पक्षी कभी बोलते नहीं है, लेकिन विष्णु शर्मा की फैंटेसी रचना पंचतंत्र में पशु पक्षियों को बोलते हुए दिखाया गया, आपस में बात करते हुए दिखाया गया।
बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी, जब पुरुष पढ़ा लिखा होता है, पुरुष जब पढ़ लिख जाता है तो वो विद्वान कहलाता है, और स्त्री जब पढ़ी लिखी होती है उसको विदुषी कहते हैं, कि हम इसको विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। महादेव वर्मा कह रही हैं कि मेरे बारे में मेरे दादा के विचार बहुत ऊंचे थे, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। संस्कृत का कोई वातावरण था ही नहीं, फिर भी माँ के कारण संस्कृत पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। मेरे दादा ये चाहते थे कि मैं उर्दू और फारसी सीखूँ, लेकिन वह मेरे बस की नहीं। दादा जानते थे उर्दू फारसी, तो वो भी चाहते थे कि मैं भी सीखूँ, लेकिन उर्दू फारसी सीखना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा जो उर्दू फारसी पढ़ाने आते थे, तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा चुकी, निकली नहीं। जब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, पंडित जी आए तब मैं निकल गई बाहर संस्कृत पढ़ने के लिए। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, गीता में उनको विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय भी मैं भी बैठ जाती, जब माँ पूजा पाठ करती तो उस समय मैं भी उनके पास बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी, क्योंकि पूजा पाठ संस्कृत में होते हैं। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी उनके साथ और संस्कृत सुनती थी, क्योंकि मंत्र श्लोक संस्कृत में होते हैं। इसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, घर वालों ने मिशन स्कूल में रख दिया शब्द समझ रहे हो, रखने का मतलब तो ये होता है ऐसे रख दें। मिशन स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया, मेरे को भर्ती करवा दी। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, वहाँ का माहौल ही अलग था, प्रार्थना दूसरी थी, अंग्रेजी में होती थी, मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया मैंने। मिशन स्कूल में जाने में रोने धोने लगी, जब घर वाले ले जाते तो मैं खूब रोती थी। तब उन्होंने मुझे क्रॉस वेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, क्रॉस वेट गर्ल्स कॉलेज में मुझको भेज दिया, जहाँ मैं पाँचवें दर्जे में भर्ती हुई, पांचवी क्लास में। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी, हम लोगों का एक ही मैस था, मैस जहाँ खाना खाया जाता है, पकाया जाता है, उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता था उस मैस में। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम चार छात्राएँ रहती थी, वहाँ जो हॉस्टल का कमरा था उसमें हम चार लड़कियाँ रहती थी, एक कमरे में एक रूम में चार लड़कियाँ रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली, मेरी जो पहली दोस्त थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान मिली मुझे, रूममेट, सातवें दर्जे में वे मुझसे दो साल सीनियर थी, वो सातवीं क्लास में थी, मैंने पाँचवीं में एडमिशन लिया था तो वो मुझसे दो साल सीनियर थी, वरिष्ठ थी। वे कविताएँ लिखती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की बहुत बड़ी कवियत्री रही हैं, हालांकि महादेवी वर्मा भी हिंदी की बहुत जानी पहचानी हस्ती हैं, तो वे कविताएँ लिखती थी। मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई माँ को देख देख कर, बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी माँ, किसके पद, मीरा के। सवेरे सुबह सुबह जागी कृपा निधान पंछी बन बोले, कि हे कृपा निधान आप जागो, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, प्रभाती जब सुबह उठते हैं तो उठते ही जो मुंह से गाते हैं वो प्रभाती कहलाती है सुबह के समय। श्याम को मीरा का कोई पद गाती थी माँ, सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि माँ ब्रजभाषा का ज़्यादा प्रयोग करती थी, काम में लेती थी, तो मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना शुरू कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं, खड़ी बोली शुद्ध हिंदी, सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, मेरे से बड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, वो प्रतिष्ठित हो गई थी, उनका काफ़ी सम्मान था, प्रतिष्ठा थी।
उनसे छिप छिपा कर लिखती थी, मैं उनसे छुप कर लिखती थी, उनके सामने नहीं लिखती थी, उनको पता भी नहीं चलता था कि मैं लिखती हूँ। एक दिन उन्होंने कहा, एक दिन पता नहीं कैसे उनको आभास हो गया, उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क से किताबों की तलाशी ली, मेरी किताब चेक की, जांची, और बहुत सा निकल पड़ा उसमें, कई पेज निकले लिखे हुए कविताओं की। उसने उसमें से तब कैसे, जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, जैसे कोई अपराधी होता है, उन्होंने मेरा अपराधी की तरह हाथ पकड़ा, एक हाथ से मुझको पकड़ा और एक हाथ में कागज लिए और पूरे हॉस्टल में दिखाई, मेरा हाथ पकड़ कर ले गई कि ये कविता लिखती है, कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, हालांकि वो उम्र में मेरी से बड़ी थी, मेरी और सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्रता हो गई। क्रास्टवेट में एक पेड़ की डाली नीचे थी, जो कॉलेज था क्रास्टवेट, उसमें एक पेड़ की डाली नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती तब हम लोग तुक मिलाते, और लड़कियां तो खेलती और हम लोग आपस में तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते जो हम लिखते। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था स्त्री दर्पण, अपना लिखा हुआ हम उसमें भेज देते, और सुखद आश्चर्य, उसमें हमारी तुकबंदी, हमारी छोटी छोटी कविताएं छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। फिर वहाँ कवि सम्मेलन होते तो अपनी कॉलेज की तरफ से जाते हम लोग। उस समय हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं 1917 में यहाँ आई थी, उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। आनंद भवन जो इलाहाबाद में है, नेहरू जी जहाँ पैदा हुए थे, नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू का जो वो घर था, वहीं राजनीतिक गतिविधियाँ होती थी देश की। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।